वेलकम टू माई YouTube चैनल मदनी तालीमात। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ सामिन किराम, रमज़ान मुबारक में औरतें जुमा के दिन घर पर यह नमाज़ अदा करना ना भूलें। वैसे तो मर्द भी ये नमाज़ अदा कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन मर्द चूँकि जुमा के दिन मसाजिद में जाकर नमाज जुमा अदा करते हैं, ख़वातीन पर जुमा पढ़ना है नहीं है और ना ही अक्सर मसाजिद में ख़वातीन के लिए कोई अहतमाम होता है इस तरह का। तो अक्सर ख़वातीन जुमा के दिन घर में ही जोहर की नमाज़ अदा करती हैं, तो उनके लिए वो उनके दिल में भी ये चाहत होती है, एक शौक़ होता है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ सकें, नवाफिल अदा कर सकें। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ख़वातीन घर में जो चाहती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अजर सवाब कमा सकें, तो वो घर में ये चार रकत नफल नमाज़ जो है वो ज़रूर अदा करें, क्योंकि इस नमाज़ की जो फ़जीलत है वो बहुत ज़्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस नमाज़ की फ़जीलत बयान की है वो अगर आप सुन लेंगे आपका ईमान ताज़ा होगा। याद रखें, ख़वातीन और मर्द दोनों ही ये नमाज़ पढ़ सकते हैं और जुमा के अलावा भी पढ़ सकते हैं, रमज़ान के अलावा भी बाद में ही पढ़ सकते हैं, पहले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी, इसमें कोई हरज नहीं है। वो नमाज़ कौन सी है? वो नमाज़ है नमाज़ तस्बीह, सलातुत तस्बीह। इस नमाज़ के बारे में नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास से फ़रमाया, अगर तुम ये नमाज़ अदा कर लो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अगले पिछले ज़ाहरी बातनी छोटे बड़े और जानबूझकर किए गए अनजाने में किए गए जितने भी गुनाह हैं, चाहे वो समंदर की जाग के बराबरी क्यों ना हो, अल्लाह ताला इस नमाज़ की बरकत से वो सारे मुआफ़ फरमा देगा। और ये फ़जीलत आम दिनों में है, माह रमज़ान मुबारक में इसकी क्या फ़जीलत होगी उसका अंदाज़ा कौन लगा सकता है। माह रमज़ान मुबारक में जब नफल का सवाब वो फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, हाँ जी, तो फिर इसका अंदाज़ा कौन लगा सकता है। इसके लिए ज़रूर मर्द भी कोशिश करें, लेकिन ख़वातीन तो बिलखसूस कोशिश करके इस नमाज़ को घरों पर अदा करें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ।